प्रकरण 9 पंच गौड़ नहीं पंच द्रविड़। हिंदू प्रजा मात्र वर्ण व्यवस्था द्वारा ज चार भाग में वहेंचायेली नथी, परण प्रत्येक वर्ण में अनेक उपवर्ण तथा उपज्ञातिओ में पण वहेंचायेली छे। हूँ गुरुनी शोध में निकळ्यो हतो, मने कोई ज्ञातिबाध न हतो, मारे तो कांचन कामिनीना त्यागी गुरु जोईता हता, पछी ते गमे ते ज्ञातिना होय। सामान्य रीते साधु समाज में ज्ञाति प्रथा न होवी जोईए, एक कहेवत छे, वाट्यू औषध तथा मूंडियो जती तेनी कशीए खबर ना पड़े, साधु सन्यासी कई नात जातना छे तेनी तकेदारी राखवी न जोईए। जो कि ज्ञाति प्रथाना मूल एटला ऊंडा छे के लोको आवी जिज्ञासा करताज होय छे, ते पूछता होय छे, महाराज तमारू दूध शू, अर्थात कई ज्ञाति। दूर देशावरना साधु आ प्रश्नना उत्तरमां जे कंई कहे ते स्वीकारी लेवानुं होय छे। ज्ञाति प्रथा साथे मान अपमान पण संकळायेला होय छे, एटले जे ज्ञातिओ साथे अपमानजनक व्यवहार संकळायेलो होय छे ते ज्ञातिना साधुओ निशंक भावथी पोतानी ज्ञाति बतावी शकता नथी होता, अथवा पछी तेमणे असत्य बोलवुं पड़तुं होय छे। वर्ण व्यवस्थाना पुनः संस्थापक आद्य शंकराचार्य मात्र ब्राह्मणोने ज संन्यासनो अधिकार मान्यो छे। तेमना शिष्य सुरेश्वराचार्य त्रैवर्णिक संन्यास मान्यो छे, अर्थात ब्राह्मणनी जेम क्षत्रिय तथा वैश्य पण संन्यास लई शके। आवी मान्यताओ होवा छतां शंकराचार्योनी पीठोमां आज सुधी एक पण क्षत्रिय के वैश्यने संन्यास आप्यो सांभळ्यो नथी। मात्र ब्राह्मणने ज संन्यास अपाय छे अने ब्राह्मणो ज दंडी संन्यासी थाय छे। वात जो आटलेथी ज अटकी होत तो ठीक हतुं, पण दंडी संन्यासीओमां पण पंच द्रविड तथा पंच गौड़ एम बे भेद, हमणा हमणा त्रीजो भेद थयो छे। भूमिहार ब्राह्मणोनो ऊपर कह्या ते बन्ने भूमिहार ब्राह्मणोने ब्राह्मण ज मानवा तैयार नथी, बीजी तरफ बन्ने परस्परमां एक बीजाने हल्का ब्राह्मणो माने छे। पंच गौड़मां पण कान्यकुब्ज सरयू पारीण वगैरे अनेक भेद तथा तेना कारणे पक्षापक्षी तो खरीज। नर्मदाथी दक्षिण भागमां आवेला ब्राह्मणोने पंच द्रविड़ कहवाय अने तेनाथी उत्तरमां आवेला ब्राह्मणोने पंच गौड़ कहवाय। शंकराचार्य वगैरे मुख्यतः द्रविड़ देशथी आवेला द्रविड़ ब्राह्मणो हता, एटले तथा खानपानादीमां द्रविड़ ब्राह्मणो वधारे प्रमाणमां छूताछूत मानता होवाथी तथा उत्तरना केटलाक ब्राह्मणो मांसाहारी होवाथी पण द्रविड़ ब्राह्मणो उत्तरना ब्राह्मणोने हल्की नजरे जोता रह्या छे। हूँ जे मठमां रह्यो हतो ते गौमठ गौड़ परंपरानो मठ हतो। पेला स्वामीजी मने कहे, जो बेटा मारू जीवन तो भ्रष्ट थई गयुं छे, पण मारे तारू जीवन भ्रष्ट थवा देवुं नथी। तेमनी बात थी मने नवाई लागी, सन्यासी थवाथी काई भ्रष्टता थोड़ी आवानी हती। ए जीवन माटे तो हूँ लालायित हतो, साधु जीवन ज खरुं जीवन छे एम हूँ मानतो हतो। मारी जिज्ञासानु समाधान करवा तेमणे वातने आगळ चलावी। मैं ज्यारे दीक्षा लीधी हती त्यारे मने खबर नहीं, अने अजाणताज आ गौड़ लोकोमां दीक्षित थई गयो। पछी खबर पड़ी कि आपणाथी गौड़ लोको पासे दीक्षा न लेवाय, पण हवे शुं थाय। खैर मारथी भूल थई तो थई, पण हवे मारे तने भ्रष्ट नथी थवा देवो, मारे तने पंच द्रविड़मां ज दीक्षित करावो छे। ब्राह्मणी विधर्मीना घरमां रही गई होय अने पश्चाताप करे तेम तेमना चेहरा उपर ग्लानी देखाती हती। मारा माटे पंच गौड़ अने पंच द्रविड़ बन्ने शब्दो नवा हता, तेनो अर्थ पण हूँ पूरेपूरो समझतो न हतो। मारा माटे द्रविड़ के गौड़नुं कशुं ज महत्व के भेद न हतो, मारे तो सद्गुरु जोईता हता, भले ते गमे ते ज्ञातना होय, पण खास समझण न पड़वाथी हूँ माथू हलावे राखतो, आगळ शुं थाय छे ते जोतो रहेतो। मारे काशीमां रहेवुं हतुं, भणवुं हतुं अने ते माटे आवासनी जरूर हती। तेमनी वातोनो छेड़ो आव्यो कि मारे पंच द्रविड़नो मठ जानी मठ छे
ત્યાં જવું. ત્યાં એક વૃદ્ધ સંન્યાસી માત્ર એકલા રહે છે, કોઈ ઉત્તરાધિકારી નથી. તેમની પાસે સારો એવો પૈસો બેંકમાં છે અને કોઈ ઉત્તરાધિકારીની શોધમાં છે. સાંજે મને ત્યાં પહોંચાડ્યો. આ દંડી સ્વામી પણ વૃદ્ધ અને ભારે શરીરના હતા. વર્ષોથી કાશીમાં આવીને વસેલા ગુજરાતી બ્રાહ્મણોમાંથી તે હતા. જીવનભર શિક્ષકની નોકરી કરીને પત્નીના અવસાન પછી પુત્રાદી ન હોવાથી સંન્યાસી થયા હતા. તેમની પાસે પોતાની અને મઠની સારી મિલકત હતી. જો કે મઠ નાનો જ હતો તો પણ તેના ઉત્તરાધિકારીની ચિંતા હતી. આ દંડી સ્વામીજી પણ મને સમજાવવા લાગ્યા કે સારું થયું તું પંચ ગૌડમાં દીક્ષિત ન થયો. આપણે પંચ દ્રવિડ કહેવાઈએ, આપણે તો દ્રવિડ મઠોમાં જ દીક્ષા લેવાય. તું બચી ગયો, ભગવાનનો આભાર માન. મારા ગળે આ વાત ઉતરી નહીં, પણ હું ચૂપ રહ્યો.